चलिए एक और निमसेट के नए टॉपर से मिलते हैं, 322 रैंक शिविका से, जो कि कोलकाता से हैं और जिन्होंने भोपाल क्लासरूम में 1 साल स्टडी करी और ड्रॉप लेके पढ़ाई करी। तो शिविका, सबसे पहले तो 322 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो शिविका, आपकी जो इंटायर जर्नी रही, आप भोपाल में भी रहे 1 साल, अपना आपने टाइम स्पेंड करा, बहुत सारी चीजें आपने भोपाल में रह के सीखी, तो आपका जो सक्सेस जर्नी है वो क्या है, वो पूरी इंटायर बताओ। जब आपने फाइनल के बाद ड्रॉप लिया तो वो भी किस तरह से डिसीजन लिया, वो सारी चीजें मैं चाहूंगा बताओ। सर सबसे पहले तो मैंने 23 में दिया था निमसेट, मेरे 2500 के आसपास कुछ रैंक आई थी। सिलेक्शन तो होना नहीं था, महाराष्ट्र सीटी भी साथ में दिया था, उसमें अच्छा परसेंटाइल था, 99.95% था, उससे एडमिशन हो जाता महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में, टॉप के कॉलेज में ही होता। बट मैं मुझे ये था कि नहीं, मुझे निमसेट करना है, एक चांस खुद को देना है, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने एक चांस दिया। घर पे सबको कन्विंस किया, थोड़ा हेजिटेशन था घर पे कि महाराष्ट्र में मुंबई में रिलेटिव्स है वो रहेगा, भोपाल एकदम न्यू सिटी, 1 साल ड्रॉप देना, 3 साल एक्स्ट्रा निमसेट, मतलब एमसीए तो एनआईटीज में 3 साल के होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए कन्विंस करना, जो चीज़ 2 साल में हो रहा है 4 साल के लिए, वो थोड़ा था बट फिर कर लिया। घर वाले थे और हमेशा कि मतलब जो हम चाहते हैं उसके लिए रेडी, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, तो फिर मैंने भोपाल आने का डिसीजन लिया। फिर आपसे मिली 3 जुलाई, सर मुझे याद है 3 जुलाई को आपसे मिली थी लास्ट ईयर, 5 जुलाई को अवार्ड फंक्शन था 23 का, एंड 4 जुलाई को मैंने 3 जुलाई को एडमिशन लिया, 4 जुलाई को रोते रोते फिर से आपके पास आई कि नहीं होगा मुझसे, क्योंकि खराब हॉस्टल था। रात भर रोने के बाद फिर ये डिसीजन, पापा को ये था कि अब नहीं छोड़ना, अगर मैं रात भर रोई हूँ तो यहाँ नहीं रह सकती भोपाल में। फिर अगले दिन आपके पास आई कि मुझे वापस ऑनलाइन शिफ्ट कर दीजिए आप, फिर आपने बोला थैंक गॉड सर आपने रोक लिया, फिर नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहता। आज जो भी हो रहा है ये मैं आपके साथ इंटरव्यू भी दे रही हूँ, शायद वो नहीं देती, क्योंकि सर ये पेपर ऐसा था नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ने के बाद, मुझे मेरा पता है मैं भी, सिचुएशन, हाँ हाँ सर, तो वो शायद ना हैंडल कर पाती मैं, आपके इतने मोटिवेशन के साथ ही हो पाया सर फिर मैं ज्वाइन। हमें बिल्कुल सच बात बोली। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपने एक बार डिसीजन ले ही लिया है हाँ तो सर, कई बच्चे जब जैसे मैथ से डरते हैं, जैसे आपका हॉस्टल प्रॉब्लम था, आपने मुझसे बात की, आपने फिर हॉस्टल चेंज किया, और देखो फिर आप कभी साल भर भी नहीं गए, ऐसा भी नहीं कि फिर आपको जाना पड़ा, पेरेंट्स मिलने आ गए। तो कई बार क्या होता है, हम एकदम जल्दी में कोई डिसीजन लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पर एनीवे, आपने वो बात सुनी, फिर आपने अवार्ड फंक्शन भी अटेंड किया, रुके भी, और फाइनली साल भर रहे, और अभी अवार्ड में भी आओगे आप, पेरेंट्स भी आएंगे आपके। तो क्या होता है कि लाइफ में हमें कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया। वो आपने अच्छा किया कि 1 साल अपने आप को दिया, 99.95% पे डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज मिलता, पर वो भी कंप्रोमाइज नहीं किया। आज आपके पास इतना अच्छा एनआईटी आएगा, और कहीं ना कहीं एनआईटी टेक की वैल्यू आज नहीं तो कल आगे जाके बहुत काम आती है। अच्छा, आप ये बताओ, भोपाल का इंटायर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर भोपाल तो मतलब ये भोपाल में 1 साल मेरे लाइफ का बेस्ट ईयर रहा है सर, आपका गाइडेंस प्लस आपके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले सर, फ्रेंड्स का सपोर्ट, कभी भी लो हो रहा है तो उनका वो सपोर्ट करते थे, आपके पास तो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फटाक से आपके पास दौड़ के जाना कि आप हो आप सॉल्व कर दोगे, और ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी एक स्टेटमेंट होती है कि जो भी हो रहा है अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसके साथ ही एफर्ट्स दो करो, तो वो एक चीज़ था जो मोटिवेटिंग फैक्टर था। फिर उसके अलावा सर फैमिली का भी कांस्टेंट सपोर्ट था, कोई प्रेशर नहीं था उनको, उन्होंने बोला था जितना कर पाओ अपना बेस्ट देना है, तो वो था सर। फिर ये जो मॉक टेस्ट हुए सर, हमारे फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट सर बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, मुझे सर सबसे ज़्यादा अमेजिंग वो फाइनल मॉक था, जिसमें मतलब मुझे लगता है वो लास्ट के 1 मंथ में ही मेरा गेम चेंज हुआ है। बहुत लोगों का हुआ गेम चेंज, क्योंकि वो नए सरप्राइजिंग पेपर थे बहुत सारे। तो सर पेपर तो मैं स्टार्टिंग से देती थी लेकिन वो एनालिसिस भी कर रही थी, लेकिन सिर्फ सर सिर्फ एनालिसिस इनफ नहीं होता, वो 2 घंटे में वो प्रॉपरली दिमाग का काम करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हमें स्विच करना है, क्वेश्चन स्विच करना है, रुकना नहीं किसी भी क्वेश्चन पे, ये सारी चीज़ें थी जिनके वजह से हो पाया पेपर में, मैंने कर लिया अच्छा। एग्जाम हॉल में भी सर बहुत डिस्टरबेंस था, जिसका भी प्रैक्टिस आपने करवा दिया था सर,
बगल में, मेरे बगल में इन्विजिलेटर बैठ के पेपर स्टेपल कर रही है, कूलर मेरे फेस पे चला दिया उन्होंने कि सारे बाल उड़ के मेरे फेस पे आ रहे हैं, शीट्स उड़ रही है, इतना सब कुछ सर हैंडल होता ही नहीं। मुझे पता था मेरा सिचुएशन, लेकिन सर ये आपने कूलर के सामने हमारा सीट्स चेंज कर करके, कभी पंखे के नीचे बैठ रहे हैं तो कभी कोने में बैठ रहे हैं जहाँ हवा भी नहीं लग रही, तो ये सारी चीजें हर सर सब कुछ सिचुएशन एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ फिर बिल्कुल सर सही एक दिन सर है। गोलू भैया मेरे सामने बैठ के पेपर स्टेपल कर रहे थे सर, लास्ट में सर जो वार्म अप टेस्ट था, तो सर मुझे सर जब जब मैम ने ना स्टेपल करना स्टार्ट किया, मेरे को तुरंत आया कि ये भी हो चुका है मेरे साथ। तो सर सब कुछ एक्सपीरियंस किया था जिस वजह से पेपर हैंडल कर पाई, नहीं तो सर इनविजिलेटर्स इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि सर नहीं होता हैंडल, पेपर का लेवल भी हायर था, हायर लेवल पे था पेपर, फिर इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता हैंडल, बट सब कुछ था, प्लान था, जो भी हुआ सर आई एम हैप्पी सैटिस्फाइड, मैंने बेस्ट दिया, बाकी फिर अब आगे बेस्ट करना है। नहीं आगे भी अच्छा एनआईटी मिलेगा, बहुत सारी बातें आपने खैर एक बार में इंटायर सारी चीजें बता दी, तो आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो अच्छा ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स को तो ये मैसेज दूंगी कि आपकी सारी बातें फॉलो करें, सर आप जो बोल रहे हैं उसको चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करें सर, फिर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैंने हॉस्टल में भी बैठ के पढ़ाई की, वो भी वो एक टाइम था, वो भी मैंने किया, क्लासरूम में भी बैठ के पढ़ाई की, सब कुछ मैंने किया सर, ओवरऑल वो खुद से समझ आता है मेरे लिए क्या बेटर है क्या बेस्ट है, तो फिर वो हो जाता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो करो सर। लास्ट में आपने मुझे बोला कि अगर हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई कर रही हो करो, बट टेस्ट आके यहीं पे देना है सर, थैंक गॉड आपने बोला, नहीं तो हॉस्टल में बैठ के मैं टेस्ट दे रही थी, वो गलत था। वो गलत था, हाँ उसमें वो चीजें हो नहीं पाती जो हम लोग क्लास के एनवायरनमेंट में करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो सर सर एक चीज बोलूंगी कि आपकी बात फॉलो करनी है बस। चलिए थैंक यू बेटा, और आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ सर थैंक यू सो मच।